अस्सलाम वालेकुम वीरन वेनियो, की हाल है? तुसी ठीक हो? आप देख रहे हैं यहाँ पे नीलियाँ पीलियाँ लाल टमाटर गाजरा मूलियाँ सब पईयां ने और साथ ही पड़ा हुआ है जी बीट भी। साढ़े दिन का आगाज़ कितों शुरू होना होंदा है? साढ़े दिन का आगाज़ शुरू होंदा है काम तो, ऐ सोचण तो कि अज पकाना की है। सब तो वड्डी मसला जड़ा ना, आज क्या पकाना है? राती पुछण लग पैंदे ने सवेरे की खाना, बेड़ा ही तर जाए। मैं क्या कि बस मैं कोई कोर्स किया है पकाने च है, या मैं कोई मील प्लैनर आ जिहड़ी मील प्लैन करनी आ कि अज ऐ पकाना है कल वो पकाना है। मैं तो बस दिमाग मेरे चे बस आलू गाजर टमाटर ही फिरते रहते हैं, होर तो कोई शह आती नहीं। हूँ तो की जिंदगी चीज़ा सोहनिया लगनिया ने, मैनू तो है बोरी जी प्याजा की है एड्डी सोहनी लगती, जे सच्ची सब्जियां एडिया सोहनिया लगदिया ने, तो जिथे कित सस्ती चीज़ लगी हो दिल कर दिया उत्थे ही खलोती रव, टमाटर ले लवान, प्याज ले लवान, रेड ऑनियन ले लवान, चिट्टे प्याज ले लवान, सारा कुछ ही बस लै जावा ते सब्जियां लेके जावा ते फिर पकावा। याद आ जांदा है सारा कुछ वेख के इत्थे। वालेकुम जी, वालेकुम, कैसी है? मैं ठीक हूं। ठीक हूं, थैंक यू। नहीं मुझे दिखाई था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू थैंक यू जी जी। सब्जियां जड़ियां घर अम्मी पकाते होंगे सन, कभी गर्मियों कभी सर्दियों, वो टाइम वो वक्त याद आने लग पैंदे ने। यह याद आने लग पैंदा कि उस वेले धुप जड़ी है कंध ते कित्थे क तक गई हुंदी सी, जिस वेले असीं दुपहर की रोटी च यह सब्जी खाई दी सी, ते किन्नी सर्दी हुंदी सी जदों असीं गोंगलू गोश्त पकाई दे सन। ते यह सारियां यादां जड़ियां ने ना, इन्हां सब्जियां दे नाल तुहाडे दिमाग च फिरदियां ने, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹੀ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੋਂਗਲੋਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਖਾਈਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਲਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿੰਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਿੰਡੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਲੱਭੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਖਲੋਤੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਮੂਲੀਆਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਤੋ ਜੀ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਕਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਲਓ ਮੁੜ ਕੇ ਭਰਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਾਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੂਟ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਰਬੂਜ਼ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋ ਹਲੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸਮਾਨ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਹਮਕੋ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਾ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਹਮਕੋ ਦੇ ਕੇ ਤੋ ਯੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਸ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਸਾਰੇ ਫੜੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਟਮਾਟਰ ਐਡੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਟਮਾਟਰ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਹੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਉਣੇ ਸਨ ਹਾਂਡੀ 'ਚ। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं? ये देखें, ये मेरे हस्बैंड की कंपनी से उनकी कोलीग है जो अपने उनका जो है अलॉटमेंट जहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं वहाँ पे ये ग्रो करती हैं, होम ग्रोन है ये मैरो। तो आज मैं ये पकाऊंगी वेजिटेरियन, उसमें साथ बनेंगे शलजम गोश्त जो मैं लेके आई थी अभी सब्जी बाहर से। तो चलें जी इसको हम काटते हैं, इसकी स्किन उतारूं पहले सारी और फिर हम इसको रेडी करें। ठीक लो जी, ऐ ते मैं कहा घर वालों के खाने पकाओ पकाओ, बाहर वाले भी नहीं माण है उन्होंने, ऐ ना सब्जियां ग्रो कर दी है कुलीग इन्हां दी ना, उन्हें जमीन ली है जिथे उन्हें टमाटर सारा कुछ लाया हों, तो वह ना इन्हों दे छड़ी होंगी है भी यो तुम भी पकाइयो तो मैनू भी दईओ। मैं क्या चल है काम चंगा ही है तो जी यहाँ पर मैरीनेट करनी है मैंने चिकन भी जो मैं लेके आई थी रोस्ट, तो नाल मैं पकानी जे अज बड़ा कुछ पकाना है। चलो ए वेख लो, वो चिकन जो है ना चिकन लैग्स में जिंजर गार्लिक है, वो है तंदूरी मसाला, कालिया मिर्चा, नमक मिर्च, सारा कुछ पा के दही पा के इनू चंगी तरह मिक्स करके ना तुसी मैरीनेट करके वेखो कि सोहना रख लेना। तो इधर जी थोड़ा जहा गोश्त कढ़िया सी मैं, शलजम गोश्त पकाने सन थोड़े जे, तो मैं क्या वह भी पक जाएगा, पर उस तो पहले मैं क्या मैं ना इनू रोस्ट नू रख देव फ्रिज दे, फ्रिज दे बेड़ा ही तर गया, दिमाग नहीं खराब हो गया है
इन्हू मैं ट्रे च ला के तो फ्रिज रख देव तो आप ही पक जाएगा। आन दे ना स्कूलों आने का टाइम होया तो मैं क्या मैं रोस्ट फटाफट मैरीनेट उन्होंने बेचारे सह भी नहीं लैन दिता है उन्होंने उंज रख दिता तो इतने जी गोश्त पा के पाँच छे बोटियां सन बस विच लसन प्याज अदरक सारा कुछ पा के जिंजर गार्लिक ये देखें ये मैंने ग्राइंड किया हुआ था यह भी ये असी सूट सटा के बस टमाटरों को भी इसमें सूट सटा के हमने नमक मिर्च बस पकड़ी वहाँ से और हमने थोड़े से खड़े मसाले डाले जिहड़े गोश्त इंज पकाना है ना तुसी सारा कुछ मिक्स करके फिर थोड़े जिहे ना खड़े मसाले पाओ उधर ना यखनी तरह बड़ा सोहना पक जाता है और स्मैल भी नहीं आती तो मैंने वो डाल के तो ये देखें प्याज में लगे सन थोड़े ने मैं थोड़े जो होर वे सूट के इसको हमने ए छोटी जी प्रैशरी कुकरी मेरे को जे वैसे बड़े काम दी तो इतने जी पकन लगा जे मैरो इसको कद्दू भी कहते हैं इसको होर फरे की कहते हैं तो यह सारा समान इतने कट के रखे जे टमाटर भी ग्राइंड करके रखे ने जब हमारे प्याज तड़फ गए तो हमने इसमें जिंजर गार्लिक को सूट के तो हमने ये जो टमाटरों की पेस्ट बनाई हुई थी ना ये भी डाल दी। इससे ना मसाला बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। मैं क्या ज़रा रोस्ट नू भी चाती मार ली है कि सही है कि कितने सड़दा तो नहीं पिया पर ठीक है। लेकिन जी हमारा अभी गोश्त मैं अभी इसमें से भूनूंगी और ये मसाला रेडी है इन सारी सब्जियों का और अयान स्कूल से आने वाला तो मैंने चिकन रोस्ट जो है वो मैंने ओवन में रख दिया है तो बस वो फिर आके वो खा लेगा सैलड के नाल और ये शाम का जो खाना है ये मैं शाम को तैयार कर लूंगी। तो बस जी इस तरह ही है किन्निया चीज़ा हो जांदियां ने बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं भूख लग जाती है तो उस हिसाब से चीज़ें करते हैं। अभी मैं आपको रोस्ट दिखाती हूँ ये देखें जी कितना ज़बरदस्त जो है इसको हमने बिल्कुल टाइम नहीं दिया मैरिनेट होने का क्योंकि टाइम ही नहीं सी इन्ना तो बस फटाफट खाना लेट हो गया तो मैं क्या यही बना लें। इधर जी साडा मसाला बड़ा सोहना पुज गया सी और हमने कटा हुआ मैरो जो है वो हमने मसाले में सूटा देखें आप यह वेखो यह विच रह गया इनू ही फिर कटिया मैं थोड़ा तो नहीं सी पूरा देग पक्की जी अज तो बस इन चंगी तरह भुन के असी बड़ा सोहना तो ढकना ला के इनू मैं रख दिता पासे ते इधरों मैं क्या मैं जरा वेखा प्रैशर जिहड़ा मैं लाया सी गोश्त नू वह भी बड़ा सोहना जिहड़ा ये हो गया सी तो बस जी इसको हांडी को अब हमने अच्छी तरह से भूनना था। मैं क्या मैं शलजम भी काट लवा सब्जी ना अच्छ बड़ी सोहनी मैं लैके आई सा मैं क्या चलो पका देव कि दो तीन दिन लंघ जाएंगे पर कोई नहीं जो लंघ दे मैं तुम्हें दसा जिन्ना खाना चंगा पक्का हो ना उस दिन ही मुक जाता सारा माशाला तो ये देखें ये बस स्टीम में ही बड़े अच्छे गल गए थे ये कोई पानी शानी तुम कुछ नहीं पाना बस तुम इनू हल्की अग से मीडियम से रख देना और ये देखें सलाद भी कितना ज़बरदस्त रोस्ट के साथ बनाया था ए जड़ा हूँ नहीं दोपहर इन्होंने खाना सी और ये देखे मैरो ने अपना पानी छोड़ा कद्दू ने इधर साड़ा गोश्त भी बड़ा सोहना जड़ा पुज गया उन्हें भी घ्यो जड़ा छाड़ दिता सी ऑयल तो इसमें मैंने डाले जी शलजम आप देखें कितने ज़बरदस्त जो है ये हांडी जड़ी साड़ी पुजी सी किड्डी वधिया ते बस जी टाइम ही नहीं मिलता मैं पता तुम दसा कभी कोई इवेंट होए कोई बुलाए तो बाहर निकल जानी हाँ उस बहाने उस तरह तुसी यकीन करो बाहर निकलन दा टाइम ही नहीं मिलता इन्ने काम हुंदे ने सारा दिन और मैं किचन दी खिड़की चो ही ना बस शाम हुंदी वेखनी आ कि मेरे को बाहर निकलन दा टाइम नहीं मिलता पर अपने आप नूं बहुत पुश करनी आ कि नहीं मैं बाहर निकला मैं जो रोज़ जावां बाहर मैं सैर करके आवां ताज़ा हवा लगनी बड़ी जरूरी है सैर करनी भी बड़ी जरूरी है पर बस मैं कहनी इंसान जिहड़ा ना थोड़ा इंज हो जांदा सुस्त जिहा कि कोई नहीं बस हुण कि ये सुबह उठे हो तो बस हूँ कमां नूं ही लग जाओ तो यह जी नान एक मैं क्या ओवन गर्म ही ये रख देव तो अयान जिहड़ा वह खा लेगा रोस्ट साडा बड़ा सोहना बन गया सी सैलड भी बड़ा अच्छा हमारा बन गया हमारा नान भी बड़ा ही सोहना गर्म हो गया सी नान को ना मैं एक और तरीके से गर्म करती होती हूँ मैं आपको एक दिन बताऊँगी तो आप देखें उस तरीके से भी बड़ा अच्छा लगता है तो बस जी मावां ने होर की करना हुंदा है मावां दे ही काम हुंदे ने सारा दिन अपने बच्चों वास्ते जो उन्होंने फेवरेट खाने ने वो बनाण और जिस दिन घर का चुल्हा नाना जले किचन का उस दिन लगता कि कोई काम रह गया है वह बरकत ही नहीं लगती घर च जिस दिन घर च खाना ना पके अजीब जिहा लगता है जिस दिन खाना पके सारे बहन सारे खाण उस दिन घर ही बड़ा सोहना लगता है तो यह वेखो जी शलजम शुकर है गल गए सन उत्ते असी पाया तड़िया तो वेखो किडे जबरदस्त बने
फिर मैं क्या चलो चावल भी थोड़े जो उबाल लव ना नाल, शलजम गोश्त नाल चंगे लगते ने नाले ये भी चंगे लगन गए। आ जड़ा मैं मैरो पकाया जो कद्दू ही कहें इनू भी इंग्लिश कद्दू सी ये वो जान नहीं सी जी दूसरे साढ़े पाकिस्तानी कद्दू जिस तरह का होंगे ना मज़ेदार पकता है, यह जरा थोड़ा जहा टेस्ट यदा हल्का है, बस इंज भी आप ही टेस्ट बनाना पैंदा। तो चावल वेखो जी साढ़े किड्डे सोने उबले किड्डे जबरदस्त बने तो बड़ा ही सारिया ने इंजॉय किया। अच्छा जी मेरी अगे की वीडियो तुसी वेखोगे ना वो मैं पाकिस्तान हाई कमीशन च मैं इनवाइटिड सा उत्थे मिलाद वास्ते, ईद मिलाद उल नबी का मिलाद सी उत्थे मैं गई सा और बड़ी अच्छी महफिल सी। तो तुसी वेखियो वीडियो पूरी वेखियो ना तो उन्होंने बहुत सोहनिया पढ़िया सन। चलो व्लॉग वाल चल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। हम जा रहे हैं आज पाकिस्तान हाई कमीशन, वहाँ पे मिलाद है तो वहाँ से मुझे इन्विटेशन आया हुआ था। तो तबीयत भी मेरी इतनी कोई ठीक नहीं है, पर मैंने कहा कि मैं आऊँगी ज़रूर और चले आपको वहाँ चल के फिर मिलते हैं। और दूसरा मैंने कहना था कि आप सबको पता है कि भाई पाकिस्तान में कितना ज़रूरी है हम अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुद अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उनको भी जो है मेक श्योर करें कि वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। उसके लिए हम रेगुलर बेसिस पे अपने प्यारों को पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, और कैसे भेजेंगे? टैप टैप सेंड ऐप के थ्रू, जिनके रेट बहुत ज़बरदस्त हैं, कोई फ़ी नहीं है। आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें टैप टैप सेंड ऐप की ऐप, और पलवशा 10 कोड जब आप यूज़ करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा। यूके वालों को £10, यूएसए कनाडा वालों को $20 मिलेंगे और यूए वालों को मिलेंगे £25। तो जल्दी से जाएं और अपने प्यारों को पैसे भेजें और चलें हम वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के मिलते हैं। इत्थे जी असी निकले घरों और मौसम भी कुछ इंजदा ही सी, मैं क्या चलो हुण शॉल भी लै जानी उत्ते क्योंकि दुपट्टा जो है ये था और गेंजा का और ये स्काफ जो है ये फिर मैंने छोटा सा रख लिया साथ। बस जैसे पहुंच गए हैं इधर, अभी अंदर चलते हैं। पार्किंग बड़ी लेट मिली है हमें तो। आपकी बहुत बड़ी खिदमत होगी। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और ईद मिलाद नबी मुबारक की और सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि रसूल की महफिल सजाए बैठे हैं दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं गमे मुस्तफा जिसके सीने में है वो कहीं भी रहे वो मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि मेरी आबरू ये अताए यादे रसूल है ये जो दर्द जो तेरी निगाह
باب الحکمہ میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں یقینا اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں میلاد منانے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور خصوصاً آپ سب کو مبارکباد کیونکہ آپ یہاں خود تشریف نہیں لائے ہیں آپ کو بلایا گیا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول ہو جائے بمان تجھ سے
तो जी बहुत ही अच्छी महफिल थी, बहुत ही दिल को सुकून मिला यहाँ बैठ के। और जब दुआ पढ़ी जा रही थी इतनी खामोशी थी, दिल नू बहुत ही सुकून मिल लिया इतने बैठ के और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद जी खाने का इंतज़ाम इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया हुआ था। और जो एम्बेसडर साहबा हैं डॉक्टर सारा, बहुत ही अच्छी बड़े प्यार से मिली और इन्होंने बड़े प्यार से मुझे इन्वाइट भी किया था। खाना खाने तो बाद जी फिर सारे मिले एक दूसरे नू और बहुत अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन भी हुआ। ये डॉक्टर सारा एम्बेसडर साहबा जो हैं सब फिर इनके साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे थे और बड़ा ही अच्छा लगा। और फौजिया का भी बहुत थैंक यू, फौजिया ने भी बड़े मोहब्बत से ये जो मुझे मिल रही हैं, बड़ी प्यारी दोस्त हैं, बड़ी मोहब्बत से इन्वाइट करती हैं, बड़े मोहब्बत से। तो सबसे मिल के बड़ा अच्छा लगता है, पाकिस्तान से कनेक्शन फील होता है। और कई चेहरे ऐसे हैं जिनसे दो दफ़ा तीन दफ़ा मिले हम और बस फिर वो भी अपने ही लगते हैं। तो सारे मिल के बहुत चंगा लग गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।